आज अपन पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सेकेंड कॉन्सेप्ट इस यूनिट का इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस? देखो यहाँ पे माना जाता है कि कंज्यूमर जो भी कंज्यूम करेगा वो अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बेसिस पे कंज्यूम करेगा। जो उसको पसंद है वो तो वो कंज्यूम करेगा और जो नहीं पसंद है वो कंज्यूम भी नहीं करेगा यहाँ पे ऑर्डिनल कंसेप्ट में सेटिसफेक्शन को ऑर्डिनल कंसेप्ट में यूटिलिटी को मेजर किया जाता है ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है ऑर्डिनल मतलब यहाँ पे आप कहोगे कि सेटिस्फैक्शन या तो आपको हाई मिल रहा है या आपको लो मिल रहा है आप कभी भी ये नहीं कहते यहां पे कि satisfaction 1, 2, 3, 4 की terms में express नहीं करते। तो यहां utility को किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते, है? करते हैं ऑर्डिनल टर्म्स में अपन को करते हैं। मतलब क्या होता है फॉर एग्जाम्पल दो फ्रूट्स हैं एक है आपका एप्पल और एक है आपका ऑरेंज अगर मैं सेवन एप्पल और अगर मैं थ्री एप्पल और टेन ऑरेंजेस खाती हूँ तो सपोज मुझे कितने का सेटिस्फैक्शन मिलता है फोर्टी होटल्स का अगर मैं फोर एप्पल्स एट ऑरेंज खाती हूँ तो, तो भी मुझे कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है फोर्टी होटल्स का अगर मैं फाइव एप्पल्स और सेवन ऑरेंजेस खाती हूँ तो भी मुझे कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है फोर्टी का अगर मैं सिक्स एप्पल्स और फाइव ऑरेंजेस खाती हूँ तो भी मुझे कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है फोर्टी होटल्स का यहाँ पे क्या होता है दो कमोडिटी की बात की जाती है जैसे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर अपन ने सिंगल कमोडिटी की बात की थी यहाँ पे आप दो कमोडिटी की बात करते हो यहाँ कंज्यूमर इनडिफरेंट है इनडिफरेंट मतलब वो नहीं समझ पा रहा मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन काम में लेना चाहिए चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो चाहे सी ले लो चाहे डी ले लो हर कॉम्बिनेशन से जो उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो क्या है बराबर है वो इक्वल है तो कंज्यूमर नहीं समझ पा रहा कि मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन को काम में लेना चाहिए इसीलिए इसको क्या कहते हैं इनडिफ्रेंस कर्व एनालिसिस कह देते हैं तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है कि कंज्यूमर इंडिफरेंट है कंज्यूमर नहीं समझ पा रहा कि उसको कौन सा कॉम्बिनेशन <ड़ीण> को काम में लेना चाहिए वो चाहे जो कॉम्बिनेशन काम में ले ले हर कॉम्बिनेशन से उसको जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है 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 वो वो क्या होता है? बराबर होता है, वो होता बराबर इक्वल इसीलिए इसको क्या कहते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं ये कर्व कैसा होता है इस शेप का होता है सपोज यहाँ पे मेरा एप्पल है यहाँ पे मेरा ऑरेंज है तो यहाँ पे मेरा एप्पल है अगर मैं ऑरेंज कम करती हूँ तभी एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा पाती हूँ मैं इन दोनों को एक साथ क्यों इंक्रीज नहीं कर पाती क्यों क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होती हैं लिमिटेड होती हैं सपोज मेरे पास सौ ही हैं अब उस सौ रुपए से या तो तीन एप्पल दस ऑरेंज खरीद लो या फोर एप्पल आठ ऑरेंज खरीद लो या फाइव एप्पल सेवन ऑरेंजेस खरीद लो या एप्पल फाइव ऑरेंजेस खरीद लो आप दोनों को नहीं बढ़ा सकते <coughs> अगर आपको एक का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्स होती हैं वो क्या होती हैं लिमिटेड होती हैं तो इनडिफरेंस कर्व कैसी शेप का होता है बच्चों डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप का आपका इंडिफरेंस कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब अगर मुझे एपल को बढ़ाना है तो ऑरेंज को कम करना ही पड़ेगा मैं इन दोनों को एक साथ कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकती क्यों क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो कैसी होती हैं रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं ये कांसेप्ट होता है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का तो समझ में आया इंडिफरेंस कर्व्स क्या होते हैं यहां पे अपन दो कमोडिटी की बात करते हैं यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो इनडिफरेंट है वो नहीं समझ पा रहा उसको कौन सी कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि हर कमोडिटी से जो मिलने वाला सैटिस्फैक् हर कॉम्बिनेशन से जो मिलने वाला सैटिस्फैक्शन है वो बराबर होता है तो यहाँ पे दो को कंज्यूम करना तो कम्पल्सरी है अगर एक का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा क्योंकि कंज्यूमर क्योंकि रिसोर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं लिमिटेड होती हैं इसीलिए इंडिफ्रेंस कर्व कैसी शेप का होता है डाउनवर्ड्स लुपिंग शेप का होता है then properties of indifference curve analysis बहुत important है properties क्या होती है indifference curve की पहली property है indifference curves are downward sloping curves indifference curve कैसे होते हैं downward sloping shape के होते हैं क्यों उसका reason क्या है downward sloping होने का क्यों क्यों downward sloping होते हैं indifference curve क्योंकि रिसोर्सेज मेरे पास क्या होती हैं लिमिटेड होती हैं तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो एक का कंजम्पन बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे मैं कभी भी दोनों का कंजम्पन एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकती नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कव आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इंडिफरेंस कर्व्स जो होते हैं वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं उसका रीजन रीजन क्या है रीजन ये है कि एमआरएस एक्स वाई जो है वो क्या होता है डिमिनिशिंग होता है अभी अपन पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है एमआरएस एक्स वाई रीजन तो सिर्फ इतना सही है कि एमआरएस क्या होता है डिमिनिशिंग होता है अब ये एमआरएस का मतलब क्या होता है एमआरएस का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मतलब आप किस रेट से वाई को सैक्रीफाइज करोगे फॉर दी गेन ऑफ द एक्स किस रेट से मैं ऑरेंज को सैक्रीफाइज करूँगी फॉर दी गेन ऑफ द एप्पल तो तो वो वो क्यों होता है वो पढ़ेंगे MRS का मतलब समझ में आया किस रेट से मैं कितना कितना इसका फॉर्मूला क्या होता है delta y by delta X. इसी MRS को क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस भी बोला जाता है देखो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे एप्पल हैं और ये मेरा ऑरेंज है अगर मुझे एप्पल भराना है तो मुझे ऑरेंज को कम करना ही पड़ेगा तभी एप्पल भर सकता है अगर इसका एम आर एस निकालें तो यहाँ पे उसको सेक्रीफाइस तो 1.5 का करना पड़ा और गेन 1 का हुआ तो एम आर एस की वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन पॉइंट फाइव सैक्रिफाइस 1.5 का करना पड़ा और गेन कितने का हुआ 2 का तो ये वैल्यू कितनी हो गई -0.75 सैक्रिफाइस 0.5 का करना पड़ा और गेन कितने का हुआ 2 का तो ये वैल्यू हो गई माइनस का 0.25 एमआरएस जो है वो डिमिनिश होता जा रहा है कम 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 होता चला जा रहा है अब एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों होता है इसके भी दो रीजंस हैं रीजन नंबर 1 एमआरएस डिमिनिश क्यों होता है पहला रीजन बच्चों जब अपन ऑरेंज को सैक्रिफाइस करते हैं कोई भी चीज जब कम होना शुरू होती है तो उसको पाने की की इच्छा हर इंसान बढ़ना शुरू हो जाती है तो जब मैं ऑरेंज तो की मेरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑरेंज को पाने की इच्छा मेरी बढ़ना शुरू हो जाती है जब मैं एप्पल को गेन करती हूँ तो हर एक एडिशनल एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम है क्योंकि लॉ यही कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो जब मैं एप्पल को गेन करती हूँ तो हर एक एडिशनल एप्पल से मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है तो हर एक एप्पल को पाने की इच्छा मेरी कम 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 होना शुरू हो जाती है जब मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ तो ऑरेंज के पाने की इच्छा बढ़ रही है एप्पल को गेन कर रही हूं, तो एप्पल को पाने की इच्छा मेरी कम होती जा रही है तो इसीलिए मैं कम ऑरेंज करूंगी फॉर द ज्यादा गेन ऑफ दी एप्पल क्योंकि मेरी ऑरेंज की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो इंक्रीज हो रही है और एप्पल की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज हो रही है तो आप लेस ऑरेंज सेक्रीफाइस करोगे फॉर द मोर गेन ऑफ दी एप्पल पहला रीजन समझ में आया एम आर एस डिमिनिशिंग क्यों होता है जब अपन ऑरेंज को सैक्रिफाइस करते हैं तो ऑरेंज की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑरेंज को पाने की इच्छा जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है जब आप एप्पल को गेन करते हैं तो एप्पल की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एप्पल को पाने की इच्छा अपनी कम होना शुरू हो जाती है इसीलिए अपन कम ऑरेंज सेक्रीफाइस करेंगे फॉर द ज्यादा गेन ऑफ एप्पल इसीलिए दें कैसा होता है डिमिनिशिंग होता है वो कम 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 होता चला जाता है रीजन नंबर टू क्या है एप्पल एंड ऑरेंज आर द ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉट परफेक्ट सब्सटी ऑफ ईच अदर कभी भी परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है ऐपल और ऑरेंज दोनों फ्रूट्स हैं दोनों मुझे पसंद हैं बट सबकी अपनी प्रिफरेंसेज होती है किसी को तो ऐपल ज्यादा पसंद होता है एज कम्पेयर टू ऑरेंज और किसी को ऑरेंज ज्यादा पसंद होता है एज कम्पेयर टू एप्पल ऐसा कोई नहीं होता जिसको एप्पल और ऑरेंज सेम लेवल पे पसंद होंगे जिसको जूसी फ्रूट्स ज्यादा पसंद है उसको ऑरेंज ज़्यादा पसंद होगा जिसको जूसी फ्रूट्स पसंद नहीं है -चिप पसंद नहीं है उसको एप्पल ज्यादा पसंद होगा तो अगर मुझे ऑरेंज ज्यादा पसंद है और एप्पल मुझे उतना पसंद नहीं है तो मैं एप्पल के गेंद के लिए कम ऑरेंज को सैक्रीफाइस करूंगी क्योंकि मुझे ऑरेंज तो ज्यादा पसंद था और एप्पल मुझे कम पसंद है तो ये दोनों गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं होते हैं इसीलिए भी आप कम ऑरेंज सेक्रीफाइस करोगे फॉर द ज्यादा गेन ऑफ दी

कि जब मैं ऑरेंज को सैक्रिफाइस करती हूँ तो ऑरेंज की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो इंक्रीज हो जाती है और जब मैं एप्पल को गेन करती हूँ तो एप्पल को पाने की इच्छा मेरी कम होना शुरू हो जाती है तो मैं कम ऑरेंज सेक्रीफाइस करूंगी फॉर द ज्यादा गेन ऑफ दी एप्पल

अगर दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्सिट्यूट होते अगर कोई ऐसे होते है कि जो दोनों एक के हैं तो उस पे MRS क्या होता? वाई एक्स। जितना वाई में सेक्रीफाइस करोगे उतना ही एक्स में गेन करोगे तो एम की वैल्यू क्या आती है और उस टाइम पे आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा बनकर आता लीनियर स्ट्रेट लाइन का आपका इंडिफरेंस कर्व बनकर आता अगर दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं लेफ्ट शू एंड राइट शू लेफ्ट पैर का जूता एंड राइट पैर का जूता ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तो उस टाइम पे इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है वो दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है और एल शेप का आपका इंडिफरेंस कर्व होता है <coughs> तो इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कॉन्वेक्स क्यों होता है क्योंकि एमआरएस क्या होता है डिमिनिशिंग एमआरएस क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ स्टिट्यूशन किस रेट से मैं वाई को सेक्रिफाइस करूंगी फॉर द गेन ऑफ दी एक्स उसका फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एमआरएस को ही स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोला जाता है जब मैं ऑरेंज को सेक्रीफाइस करती हूँ तो ऑरेंज को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेरी इंक्रीज हो जाती है और एप्पल को मैं गेन करती हूँ तो एप्पल की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेरी कम हो जाती है इसलिए मैं कम ऑरेंज सेक्रीफाइस करूंगी फॉर द ज्यादा गेन ऑफ द एप्पल इसीलिए हमारे क्या होता है डिमिनिशिंग होता है सेकेंड क्या है रीजन ये दोनों गुड्स कभी भी एक दूसरे के परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं होते हैं तो मुझे अगर ऑरेंज ज़्यादा पसंद और एप्पल उतना पसंद नहीं है तो मैं कम ऑरेंज सेक्रीफाइस करूंगी फॉर द ज्यादा गेन ऑफ द एप्पल अगर दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्सिट्यूट होते तो आपका एम आर एस तो कॉन्स्टेंट होता है तो इंडिफरेंस कर्व दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता एल शेप का आपका इंडिफरेंस कर्व हो जाता गया समझ में यहाँ तक का क्लियर है थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है इंडिफरेंस कर्व की

आई सी वन तो क्या कहता है कि आपको फाइव एप्पल और टू ऑरेंजेस मिल रहे हैं हंड्रेड रुपीज में ठीक है है सपोज आई सी क्या कहता एप्पल और ऑरेंजेस मिल रहे हैं हंड्रेड रुपीज में फॉर एग्जाम्पल सी थ्री क्या कहता है फाइव एप्पल और फोर ऑरेंजेस मिल रहे हैं हंड्रेड रुपीज में आप कौन सा चूज करोगे आई सी थ्री क्यों क्योंकि यहाँ पे मुझे सेम सेम रिसोर्स में ज्यादा कमोडिटी मिल रही है और ज्यादा कमोडिटी मिल रही है तो उससे मुझे ज़्यादा होगा तो हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन क्लियर है देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी दैट इज इंडिफ़रेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट अदर डिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते ये आई सी वन ये आई सी टू ये ए ये बी ये सी ये डी ये ई ये आई सी वन में कौन से कौन से कॉम्बिनेशन हैं ए बी एंड सी आई सी टू में कौन से कौन से हैं डी बी ई एंड एफ ठीक है यही है एक इंडिफरेंस कर पे जितने भी कॉम्बिनेशन से से मिलने वाला क्या होता 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 है सेम होता है है बराबर सेम अगर मैं इन दोनों को तो क्या मैं ऐसा कह हूं? जितना दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाते तो इसका मतलब जितना ए से मिलेगा उतना ही एफ से मिलेगा क्योंकि दोनों में बी आ रहा है तो बी की जगह ए लिख दिया और बी की जगह एफ लिख दिया तो जितना ए से मिलेगा उतना एफ से मिलेगा बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हायर आई सी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो ये रिजल्ट मेरा क्या कर गया कॉन्ट्राडिक्ट कर गया इसीलिए कहते हैं कि इंडिफरेंस कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा वो सही रिजल्ट नहीं आएगा लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी इंडिफरेंस कर्व्स की दैट इज इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच ईदर एक्सिस इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना एक्सिस को टच नहीं कर सकता ना तो एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को ऐसा इंडिफरेंस कर्व नहीं बना सकती मैं क्यों क्योंकि अगर मैंने ऐसा इंडिफरेंस कर बनाया तो सारा का सारा पैसा मैंने वाई पे खर्च कर दिया और एक्स का मैंने कितना लिया ज़ीरो अगर ऐसा इंडिफरेंस कर बनाया तो सारा का सारा पे खर्च कर दिया वाई का कितना लिया जीरो जबकि ऐसा होता नहीं है यहाँ पे माना जाता है कि आपको दो कमोडिटी तो कंज्यूम करना कंपल्सरी है और अगर आपने किसी भी एक्सेस को टच कर दिया या तो एक्स या वाई एक्सेस को तो आप मतलब एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है तो ये पांच प्रॉपर्टीज होती हैं अपनी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ ली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी इंडिफरेंस कर्व की दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीज़न क्या है क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो क्या होती हैं लिमिटेड होती हैं तो अगर मुझे एक का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा सेकेंड क्या प्रॉपर्टी होती है दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इनडिफ्रेंस का ओरिजिन से कॉन्वेक्स होते हैं उसका रीज़न क्या होता है क्योंकि एम क्या होता है आपका डिमिनिशिंग होता है अब एम आर डिमिनिशिंग क्यों होता है क्योंकि एक की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाती है और एक की कम हो जाती है इसलिए डिमिनिशिंग है और एक दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स नहीं होते अगर दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं तो उस टाइम पे इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा बच्चों स्ट्रेट लाइन का आपका इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा अगर दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उस टाइम पे इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर एल शेप का आपका इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा थर्ड प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ ली दैट इज हायर आई सी गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फोर्थ प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ ली इंडिफ्रेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर इनडिफ्रेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो जो रिजल्ट आ रहा है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा एंड लास्ट आई सी कैन नेक्सेस ना तो वो एक्स एक्सेस को टच कर सकता ना ही वो वाई एक्सेस को टच कर सकता क्यों क्योंकि उसको दो कमोडिटी को कंज्यूम करना कंपल्सरी होता है अगर उसने किसी भी एक्सेस को टच कर दिया तो मतलब वो एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है यहाँ तक का क्लियर है कोई भी डाउट एम आर एस डिमिनिशिंग क्यों होता है देखो एम आर एस पहले आया था वन पॉइंट फाइव फिर आया था पॉइंट सेवन फाइव फिर आया था पॉइंट टू फाइव ठीक है ये कम 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 होता जा रहा है ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है जब मैं ऑरेंज को सेक्रीफाइस कर रही हूँ तो, जिस चीज़ को करना करते है। तो जब अपन ऑरेंज को सेक्रीफाइस करते हैं तो ऑरेंज को पाने की इच्छा मेरी बढ़नी शुरू हो जाती है पाने की इच्छा बोल रही हूँ बढ़नी शुरू हो जाती है जब मैं एप्पल को गेन करती हूँ तो हर एक एडिशनल एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है तो एप्पल को पाने की इच्छा मेरी कम होती जाती है Orange को तो पाने की इच्छा बढ़ रही, है क्योंकि उसको मैं कर रही हूं। यहां इसको मैं गेन ऑफ दाइव ही सैक्रीफाइस किया जबकि एप्पल का गेन कितना हुआ? का हुआ। तो इसीलिए एम आर एस डिमिनिशिंग हुआ पहला रीजन दूसरा रीजन क्या होता है एप्पल और ऑरेंज दोनों तो एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं अगर मुझे ऑरेंज फ्रूट ज्यादा पसंद है और एप्पल मुझे इतना पसंद नहीं है और फिर आप मुझे कहोगे तू ऑरेंज छोड़कर एप्पल ले ले तो मैं कम ऑरेंज छोड़ूंगी एप्पल को गेन करने के लिए क्योंकि मुझे ऑरेंज ज्यादा पसंद था एप्पल कम पसंद था इसीलिए क्या होता है मारे डिमिनिशिंग होता है आ गया समझ में दो रीजन है वाले तो वाले की की और propensity to consume कम हो रही है इसलिए मैं कम सेक्रीफाइस करूंगी फॉर गेन और दूसरा रीजन क्या है दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं है इसलिए मैं कम सेक्रीफाइस करूंगी फॉर द ज्यादा गेन क्लियर तो एम आर एस डिमिनिशिंग होता है देखो अपन ने बच्चों पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस उसके अंदर अपन ने दो टॉपिक्स पढ़े थे एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक अपन ने पढ़ा था कंज्यूमर सरप्लस वैसे ही जो ये कंसेप्ट होता है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इसके अंदर भी अपन दो टॉपिक पढ़ते हैं एक टॉपिक अपन ने पढ़ लिया is, इंडिफरेंस कर। और एक टॉपिक होता है आपका बजट बजट लाइन लाइन इसी को क्या बोला जाता है प्राइस लाइन बोला जाता है बजट लाइन प्राइस लाइन क्या होती है सपोज मुझे क्या क्या लेना है आइसक्रीम लेनी है एंड चॉकलेट खरीदनी है आइसक्रीम आती है ट्वेंटी रुपीज़ की चॉकलेट आती है टेन रुपीज़ की मेरे पास कितने रुपीज़ हैं सपोज मेरे पास टू हंड्रेड रुपीज़ है टोटल रिसोर्सेज कितनी है टोटल इनकम कितनी है दो सौ रुपये की अगर मैं सारा का सारा पैसा आइसक्रीम पे खर्च करती हूँ चॉकलेट कुछ भी नहीं खरीदती तो कितनी आइसक्रीम खरीद पाऊंगी टेन अगर मैं सारा का सारा पैसा दो के दो सौ चॉकलेट पर खर्च करती हूँ तो कितनी चॉकलेट खरीद पाऊंगी ट्वेंटी और आइसक्रीम जीरो या फिर मैं एट आइसक्रीम अगर खरीद लूँ तो मेरे पास कितने रुपए बचे चॉकलेट के लिए फोर्टी तो मैं चॉकलेट्स खरीद पाऊंगी अगर मैं 6 खरीद लूं, तो मैं कितनी इंटू सिक्स कितना हो गया वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी और यहाँ पे एटी रुपीज बचे तो कितने ले पाओगे एट चॉकलेट्स ले पाओगे इनका टोटल आपने एक्सपेंडिचर कैसे निकाला पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू आपका टोटल खर्चा आ रहा है आपकी टोटल इनकम आ रही है पी वन फर्स्ट वाले की प्राइस कितनी है ट्वेंटी अगर मैं उसकी आठ कमोडिटी खरीदती हूँ तो सेकेंड वाली प्राइस कितनी है टेन तो मैं उसकी कितनी खरीद रही हूँ फोर खरीद रही हूँ तो यहाँ कितना हो गया वन सिक्सटी यहाँ कितना हो गया फोर्टी तो टोटल मेरा खर्चा कितने का आ गया दो सौ का आ गया तो ये पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम टोटल खर्चा आपका आ गया अगर मैं चार आइसक्रीम खरीदती हूँ तो कितनी चॉकलेट खरीद पाऊंगी ट्वेल्व क्योंकि चार आइसक्रीम के कितने रुपीस लगे आपके एट्टी रुपीस तो आपके पास कितने रुपीस बचे वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी के आप कितनी चॉकलेट खरीद पाएंगे ट्वेल्व समझ में आ रहा है बजट लाइन प्राइस लाइन अगर मैं इसका कर्व बनाती तो इस तरीके का कर्व बनता सपोज ये मेरी आइसक्रीम है और ये मेरी क्या है चॉकलेट या तो मैंने दस की दस आइसक्रीम खरीद ली और चॉकलेट जीरो या फिर मैंने बीस चॉकलेट खरीद लिया और आइसक्रीम जीरो या फिर इन दोनों के कोई भी कॉम्बिनेशन आपने खरीद लिए लाइक एट आइसक्रीम फोर चॉकलेट सिक्स आइसक्रीम एट चॉकलेट एंड सो ऑन कोई भी कॉम्बिनेशन खरीद लिया ये होती है आपकी बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन अब बजट लाइन के ऊपर बजट लाइन के ऑन या बजट लाइन के अंदर इनसाइड जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उन सबको क्या बोला जाता है फीजेबल या फिर अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोला जाता है बजट लाइन के ऊपर या बजट लाइन के अंदर अंदर मतलब मैं ऐसा हो सकता है बच्चों दो चॉकलेट प्लस दो आइसक्रीम खरीद लूं दो सौ रुपए से खरीद सकती हूँ दो चॉकलेट मतलब टू इंटू टेन और दो आइसक्रीम मतलब टू इंटू ट्वेंटी तो ये हो गया फोर्टी और ये हो गया ट्वेंटी तो आप कितने रुपीज खर्च कर रहे हो सिक्सटी दो सौ में से साठ रुपए खर्च कर सकते हो आया हाँ ना तो जो साठ रुपए वाला पॉइंट आएगा वो इसके अंदर आएगा कहीं ना कहीं और जो एक्जैक्टली दो सौ वाले रुपए आएंगे वो इसके ऊपर आएंगे तो बजट लाइन के ऊपर या बजट लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उनको क्या बोला जाता है Feasible या फिर अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोला जाता है मैं दो सौ रुपए से दस आइसक्रीम और चार चॉकलेट खरीद सकती हूँ क्या दस आइसक्रीम मतलब टेन इंटू ट्वेंटी और चार चॉकलेट मतलब फोर इंटू टेन तो ये कितना हो गया टू हंड्रेड प्लस फोर्टी दो सौ रुपए से दो सौ चालीस का सामान खरीद सकते हो हाँ या ना नहीं तो ये दो सौ चालीस वाला पॉइंट कहाँ आएगा कहीं इधर आएगा बजट लाइन के बाहर तो बजट लाइन के बाहर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो कौन से होते हैं नॉन फीजेबल या फिर नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं कि उनको मैं अटेन नहीं कर सकती उनको मैं अचीव नहीं कर सकती तो बजट लाइन के ऊपर या बजट लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सब क्या होते हैं फीजेबल या फिर अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं और बजट लाइन के बाहर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो कौन से होते हैं नॉन फीजेबल या फिर नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं बजट लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पी एक्स बाय पी ये किसका स्लोप की बात कर रही हूँ मैं बजट लाइन के स्लोप की बात कर रही हूँ अब ये टू कमोडिटी मॉडल पढ़ रहे हैं पर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जहाँ दो कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम करे तो या तो आइसक्रीम या चॉकलेट या इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन टू कमोडिटी मॉडल में कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम लेवल कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे कम पहुंचेगा जब ये क्या है आपकी बजट लाइन ये वाली लाइन कौन सी है मेरी बजट लाइन और ये मेरा क्या है इंडिफरेंस कर्व जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के क्या होते हैं टेंजेंट होते हैं जब बजट लाइन एंड इंडिफरेंस एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं उस पॉइंट पे कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम लेवल या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल को अचीव करेगा या फिर 10 या फिर इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है जब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसके बराबर होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर होगा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप किसके बराबर होगा किस बजट लाइन के बराबर होगा अगर कंज्यूमर वहां तक कंज्यूम करता है तो वो अपने इक्विलिब्रियम लेवल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल को अचीव करेगा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या था एमआरएस ऑफ एक्स वाई जिसका फॉर्मूला क्या था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बजट लाइन का स्लोप क्या था पीएक्स बाय पीवाई या फिर इसको किसके इक्वल्स टू कह सकते हैं एमयू एक्स बाय एमयू वाई आकर कंज्यूमर यहाँ तक कंज्यूम करता है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम इक्विलिब्रियम लेवल अचीव हो जाएगा तो सिंगल कमोडिटी मॉडल जो था वहां पे अपन ने कल पढ़ा था सिंगल कमोडिटी मॉडल तो सिंगल कमोडिटी मॉडल के अंदर कंज्यूमर एकम की क्या कंडीशन होती है एम यू एक्स बाय पी एक्स किसके बराबर होता है एम यू एम के या फिर अपन बोल सकते हैं एम यू एक्स बाय एम यू एम किसके बराबर होता है पी एक्स के बराबर होता है और अगर टू कमोडिटी मॉडल की बात कर रही हो जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है जब इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन एक दूसरे के टेंजेंट हो या फिर स्लोप ऑफ बजट लाइन किसके बराबर हो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बराबर हो मतलब एम आर एस एक्स वाई किसके बराबर हो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स या इक्वल्स टू पी एक्स बाय पी वाई इक्वल्स टू एम यू एक्स बाय एम वाई के बराबर होगा अगर कंज्यूमर यहाँ तक कंज्यूम करता है तो level, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम इक्विलिब्रियम लेवल उसको अचीव हो जाएगा क्लियर है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया सिंगल कमोडिटी मॉडल एंड टू कमोडिटी मॉडल देन अपन पढ़ेंगे अजम्पशंस ऑफ इंडिफ्रेंस कर्व अप्रोच ये इंडिफरेंस कर्व के एजम्शंस क्या हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के एजम्पन्स क्या हैं पहला एजम्पन है कि यहाँ कंज्यूमर की चॉइस क्या है ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव का मतलब सपोज कॉम्बिनेशन ए में मिल रहे हैं उसको फाइव एप्पल्स प्लस सेवन ऑरेंजेस कॉम्बिनेशन बी में मिल रहे हैं फाइव एप्पल प्लस नाइन औरेंजेस कॉम्बिनेशन सी में मिल रहे हैं फ़ाइव एपल प्लस इलेवन औरजेस तो बच्चों ए की जगह किसको चूज करोगे बी को ए और बी में देखो तो बी की जगह किसको चूज करोगे सी को इसीलिए ए की जगह किसको चूज कर लोगे ए सी को चूज कर लेंगे तो कंज्यूमर की चॉइस ट्रांजिटिव है मतलब अगर ए की जगह बी में ज्यादा कमोडिटीज मिल रही हैं तो वो ए की जगह बी को चूज करेगा अगर बी की जगह सी में ज्यादा कमोडिटीज़ मिल रही हैं तो वो बी की जगह सी को चूज कर लेगा तो दैट इज ए की जगह वो चूज़ कर लेगा सी को चूज कर लेगा तो यह माना जाता है कि कंज्यूमर की चॉइस ट्रांजिटिव है वो ए की जगह बी को चूज करेगा बी की जगह सी को चूज करेगा तो ए की जगह किसको चूज कर लेगा सी को चूज कर लेगा Second, जो है दैट इज़ इज़ कंज्यूमर रैशनल यहाँ कंज्यूमर रैशनल है समझदार है वो अपना पैसा वहीं खर्च करता है जहाँ उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है थर्ड एजम्पन है यहाँ पे कंज्यूमर का कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न होता है कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न का मतलब क्या होता है कि वो सेम चीज कंज्यूम करता है अगर उसको एप्पल ऑरेंज पसंद है तो उसको एप्पल ऑरेंज ही पसंद है वो कोई और दो फ्रूट्स की बात नहीं करा उसका कंजम्पशन पैटर्न कंसिस्टेंट है सेम है एंड फोर्थ वाला पॉइंट फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला जो है वो एकदम सेम है फोर्थ में भी यही लाइन लिखी हुई है कि ए की जगह बी चूज करेगा और बी की जगह सी तो ए की जगह वो सी चूज कर लेगा एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका दैट इज डिमिनिशिंग एम आर एस यह माना जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन कैसा है डिमिनिशिंग है जो हम पढ़ चुके हैं कि एम आर स्लोप होता है इंडिफ्रेंस कर्व का और वो डिमिनिशिंग होता है तो ये तीन चार एजम्पन्स होते हैं आपके इंडिफ़रेंस कर्व एनालिसिस के पहला एजम्पन क्या है कि कंज्यूमर की चॉइस ट्रांजिटिव है अगर वो एक ही जगह बी चूज कर रहा है बी की जगह सी चूज कर रहा है तो वो एक ही जगह सी चूज करेगा देन वो रैशनल है वो सोच समझकर अपना पैसा खर्च करता है उसका कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न है मतलब वो फिक्स एप्पल ऑरेंज ही कंज्यूम कर रहा है बार बार चेंज नहीं कर रहा एंड एम क्या होता है यहाँ पे डिमिनिशिंग होता है ये यह अपन यहाँ पे मान चलते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा है देन लास्ट टॉपिक जो बचा है अपना इस यूनिट का

टिस्फेक्शन <laughs> आपने कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस किया था वन टू थ्री फोर रियल लाइफ में कभी भी सेटिसफेक्शन आप ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते हो यहाँ सेटिस्फैक्शन आप ऑर्डिनल कंसेप्ट में एक्सप्रेस करते हो मतलब या तो सेटिस हाई मिल रहा है या फिर सेटिसफेक्शन लो मिल रहा है जो एक्चुअली ऐसा ही होता है रियल लाइफ में हम यही बताते हैं कि सेटिसफेक्शन या तो हाई मिल रहा है या लो मिल रहा है वहाँ पैसों के टर्म्स में अपन ने सेटिस्फैक्शन को मेजर किया था रियल लाइफ में कभी भी पैसों के टर्म्स में सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं किया जाता और यहाँ पे वो ही नहीं है तो ये तीन डिफरेंसेस होते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्यों बेटर है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से मार्जिनल में एक कमोडिटी थी इंडिफरेंस में एक से ज्यादा कमोडिटी है मार्जिनल में अपन ने कार्डिनल नंबर्स में सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया था यहाँ पे अपन ने ऑर्डिनल टर्म्स में सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस किया है वहां पे अपन एमय की टर्म्स से में सेटिसफेक्शन निकाल रहे थे यहाँ कोई एमयूएम नहीं होता एक फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है आपके नोट्स में इनकम इफेक्ट फ्रॉम इफेक्ट ये आप लर्न कर लेना एज इट इज याद कर लेना कि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं इनकम इफेक्ट को फ्रॉम सब्सिट्यूशन इफेक्ट एज इट इज लर्न करनी है लाइन सेग्रीगेट मतलब अलग डिफरेंट उसको अलग अलग करना यहाँ इनकम इफेक्ट को अलग माना जाता है और सब्सिट्यूशन इफेक्ट को अलग माना जाता है अलग अलग किया जाता है ठीक है आ गया समझ में क्लियर है चलो अपन आज इतना ही पढ़ेंगे ये आप लोग पढ़कर आएंगे कल अपन यूनिट नंबर थ्री कंप्लीट कर लेंगे अपनी ट्यूसडे को ट्यूसडे को टेस्ट है अपना इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर का हाँ तो आप लोग इसका मॉड्यूल कर लो पीछे के क्वेश्चन कर लो कर बताया मैंने हाँ लूंगी ना हम दोनों मंडे को मॉड्यूल ले आना मंडे को स्टैट्स का मॉड्यूल ले आना पक्का से